कक्षा पांचवी विषय हिंदी पाठ 16 बोलो और जानो। बच्चों मैं आपको इस पाठ का पहले परिचय दे देती हूँ। इस पाठ में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को भी सीखने के लिए प्रेरित किया गया है। बच्चों हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला इत्यादि। इस पाठ में बहुत सारे चित्र दिए गए हैं जिनका हिंदी में नाम दिया गया है। अब हम इन्हीं वस्तुओं का हिंदी के साथ मराठी में भी उच्चारण जानेंगे। बच्चों चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला चित्र कौन सा है। पहला चित्र है अमरूद। हिंदी में इसको बोलते हैं अमरूद और मराठी में इसको बोलते हैं पेरू। दूसरा चित्र बच्चों देखिए किसका दिया गया है। दूसरा चित्र है गुब्बारा। हिंदी में इसको बोलते हैं गुब्बारा और मराठी में इसको बोलते हैं फुगा। बच्चों अगला चित्र देखिए कौन सा है। अगला चित्र है घर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घर। और बच्चों इसको मराठी में भी घर ही बोलते हैं। बच्चों अगला चित्र है स्कूल बैग। इसको हिंदी में बोलते हैं बस्ता और मराठी में बोलते हैं दफ्तर। बच्चों ये जो चित्र दिया गया है ये एक फूल का चित्र है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेला और इसको मराठी में बोलते हैं मोगरा। बच्चों ये जो चित्र है ये है पानी। हिंदी में इसको पानी भी बोलते हैं और जल भी बोलते हैं, लेकिन मराठी में इसको पानी बोलते हैं। बच्चों ये जो चित्र दिया गया है ये एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का चित्र है। हिंदी में इसको बोलते हैं गुड़िया और मराठी में इसको बोलते हैं बाउली। बच्चों ये जो चित्र दिया गया है ये किसका चित्र है? ये एक डॉगी का चित्र है। इसको हिंदी में बोलते हैं कुत्ता और इसको मराठी में बोलते हैं कुत्रा। बच्चों अगला चित्र है बुक्स का। बुक्स को हिंदी में पुस्तक भी बोलते हैं और किताब भी बोलते हैं, लेकिन मराठी में बुक को पुस्तक बोलते हैं। बच्चों ये जो देखिए किसका चित्र है ये है एरोप्लेन। इसको हिंदी में बोलते हैं हवाई जहाज और मराठी में इसको बोलते हैं बच्चों विमान। बच्चों ये देखिए किसका चित्र है। हाँ ये चित्र है पेन का, जिससे आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कलम और मराठी में बोलते हैं पेन। बच्चों ये देखिए अगला चित्र किसका है। अगला चित्र है UFO का। इसको हिंदी में बोलते हैं उड़नतश्तरी और इसको मराठी में बोलते हैं उड़ती तबकड़ी। बच्चों ये चित्र देखिए किसका है। हाँ इसको हिंदी में बोलते हैं मूछ और मराठी में बोलते हैं मिशी। बच्चों ये देखिए कौन सा चित्र है, पहचाना आपने? हाँ ये चित्र है स्कूल का, जहाँ आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो। तो हिंदी में स्कूल को बोलते हैं विद्यालय और मराठी में बोलते हैं शाड़ा। बच्चों ये देखिए ये कौन से इंसेक्ट का पिक्चर है। आपको इसको देख के डर तो नहीं लगा? समझा आपने? हाँ ये है कॉकरोच और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
हिंदी में इसको बोलते हैं तिलचट्टा और मराठी में इसको बोलते हैं झुरड़। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।